फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वॉशिंग घर में वॉशिंग मशीन जो है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में गेयर बॉक्स किस तरह से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैं नया गेयर बॉक्स लेके आया हूँ इसका नीचे का, और मैं आपको पुराना भी दिखाता हूँ अपना। ये देखिए, ये पुराने वाला है। ये पुराना है जो इसमें ये प्लास्टिक की गरारी होती है। ये प्लास्टिक की गरारी मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे से। जो ये है, इसका नीचे का हिस्सा ये है, ये है नीचे का। फिर बाद में ये इसके ऊपर लग जाता है, इस तरह से लग जाता है। जो ये गरारी है, ये घिस जाती है, ये यहाँ पे लगती है। और जो ये है, ये इसके ऊपर आ जाता है। इसमें भी अंदर गरारियाँ दी हुई हैं, ये चार गरारियाँ दी हुई हैं लोहे की, जो इसको घिसा देती हैं। ये इसके ऊपर ये लग जाता है, और ये यहाँ पे भी गरारी है। ये जो गरारियाँ हैं इसमें, ये जो बने हुए हैं, खांचे बने हैं, ये इसमें फिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये घूमता है। ऐसे हमारी वॉशिंग मशीन घूमती है सेमी ऑटोमेटिक। ये जब घूमती है नीचे से, तो ये ऊपर को भी घुमाती है इस तरीके से। जब ये प्लास्टिक की जो मैंने आपको दिखाई थी, छोटी सी गरारी थी, जब उसके दांते घिस जाते हैं, तो ये उसको घुमाना छोड़ देती है। ऊपर से जो उसकी, मैं दिखाता हूँ आपको, जो ये है, ये इसके ऊपर फिट हो जाता है। ये यहाँ पे लग जाता है इस तरीके से, इस तरीके से लग जाता है। ऐसे लगने के बाद जब ये नीचे से घूमता है, ये देखिए, ये नीचे से घूम रहा है लेकिन ऊपर नहीं घुमा रहा, तो वो गरारी, ये मोटर फ्री हो जाती है। मोटर फ्री होने के बाद ये काम करना बंद कर देती है। तो इसीलिए इसी से पता लगता है, जब ये घूमना बंद कर दे या स्लिप हो जाए, मोटर घूम रही है और ये स्लिप हो रहा है, तो उससे पता लग जाता है कि ये खराब हो गया है, तो आपको इसको चेंज करने की जरूरत पड़ जाएगी। जो वो नीचे गरारी है छोटी सी, वो चेंज नहीं होती है, ये पूरा ही सेट चेंज कर दो तो ठीक है। अगर आप उसको, मैं दिखाता हूँ आपको, जो ये छोटी वाली गरारी है, आप अगर इसको अकेला इसको चेंज करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, ये दूसरा सेट नहीं बैठेगा आपके गेयर बॉक्स में। इसको गेयर बॉक्स ही बोलते हैं, और सेट नहीं बैठेगा, जिसकी वजह से आपका दूसरे भी और नया जो पार्ट है वो भी खराब हो जाएंगे, बाकी बचे हुए वो भी खराब हो जाएंगे। इसलिए आप इसको पूरा ही चेंज करा दो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, जो आपको अमेजोन से ये मिल जाएगा अगर आपने ऑनलाइन मंगवाना है। बाकी अगर मार्केट से, लोकल मार्केट से लेते हो, वहाँ से सस्ता पड़ जाएगा आपको। तो मैं अब इसके आपको फिट करने के बताऊंगा कि किस तरह से फिट कर सकते हो। तो आइए देखिए वीडियो। सबसे पहले आपने, मैंने खोल लिया था, मैं आपको दिखा नहीं पाया, बाकी मैं जब बंद करूंगा मैं सारा आपको बता दूंगा। आपने इसको इस तरीके से खोल लेना है। जब आप ये खोल लोगे, ये खोलने के बाद ये हिस्सा आपको ऐसा मिल जाएगा। इसमें जो ये वाली रबड़ है, ये रबड़ आपने चेक करके जरूर लेके आनी है, ये रबड़ उसमें है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लगेगी जो ये रबड़ है ना, ये लीकेज को रोक देगी। जो आप इसमें पानी डालोगे वो लीकेज नहीं आएगी। ये यहाँ पे इस तरह से फिट हो जाएगा, ये देखिए। अगर तो आपके इसमें, यहाँ पे नट लगेंगे, यहाँ से इसमें नट लग जाएंगे चारों तरफ। फिट करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इजी फिट हो जाएगा, आप घर में फिट कर सकते हो। यहाँ पे नट लगेंगे, उसके लिए आपने ये देखना है कि आपके ये गेयर बॉक्स में पेचकस डालने की जगह है या नहीं है। अगर इसमें आप पेचकस डाल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको ये नीचे से खोलना पड़ेगा। अब मेरे यहाँ से पेचकस लग जाएगा तो मुझे ज़रूरत नहीं है,
मैं इसी तरह से इसको फिट कर सकता हूँ। किस तरीके से लगाना है आपने? इसके बाद आपने इसको इस तरीके से फिट करना है। ये फिट करने के बाद एक मैं आपको दिखाता हूँ, आप नजदीक से देखिए। कि जब एक मैं आपको दिखाता हूं, जब इसकी ये जो गरारी है, ये जो इसमें कपड़े धोने में ये घूमती है, जो अगर ये निकले नहीं, यहां पे नट होता है बड़ा, यहाँ पे ये वाला नट होता है, ये जो यहाँ लग जाता है, इसको इस नट को खोलने के बाद जब आपको लगे कि आप इसको बाहर निकाल रहे हो और ये निकल नहीं रहा है, अटक गया है, तो उसकी टेक्निक मैं बताता हूँ। एक रस्सी ले लो। रस्सी लेने के बाद आपने रस्सी को इसके यहाँ किनारों में फंसाना है। ये आप पेचकस से इसको ऊपर उठा सकते हो। यहाँ पे आपने रस्सी इस तरीके से फंसानी है, ये देखिए इस तरीके से रस्सी इसमें फंस जाएगी। और उसके बाद आपने दोनों साइड से इसको हिला के, मैं बताता हूँ आपको, इसका ये वाला व्हील है जो ये फंस ही जाता है तकरीबन काफी टाइम, कई साल खुलता नहीं है, जिसकी वजह से ये जब खराब होता है तो अटक जाता है। तो इसको ऐसे घुमा लेना है, घुमाने के बाद इस तरीके से हिलाना है आपने। ये देखिए बिल्कुल इजी तरीके से निकल गया है। तो बाकी अब मैं आपको इसको फिट करना बताता हूँ कि किस तरीके से आपने फिट करना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने इसको बैक साइड से, इसके जो फिटिंग है मैं वो बता देता हूँ। इसकी ये जो बेल्ट है, ये वाली बेल्ट आपने लगानी है इसमें नीचे मोटर में फिट करने के बाद, जो गेयर बॉक्स हमने डाला था उसमें डालनी है, मैं वो बताता हूँ आपको। जो ये है ना, मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो ये वाली पुली है, यहाँ पे बेल्ट इसकी लग जाएगी, और ये जो मोटर है, इस मोटर में यहाँ बेल्ट लग जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये वाली बेल्ट है, ये यहाँ लगने के बाद, इसको बंद करने के बाद मैं दिखा नहीं पा रहा था आपको, इसलिए मैंने आप ये खोलने के बाद दिखाया। ये बेल्ट यहाँ लगेगी, यहाँ लगने के बाद जब ये बंद हो जाएगा, बंद होने के बाद इसके यहाँ लग जाएगी, ये इस साइड चढ़ जाएगी। वो मैं कोशिश करूँगा मैं आपको दिखा पाऊँ।
तो फ्रेंड्स मोटर में हमने लगा दी थी, वो मैंने आपको दिखा दी है। ये वाली वो पुली है जो हमारे कपड़े धोने वाली अंदर जाती है। ये देखो, यहाँ से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की, यहाँ से ऐसे इसको डाल के इसको आप घुमाते जाओ, जो अपने आप ही उस पर चढ़ती जाएगी। ये देखिए, ये चढ़ गई है, ये देखिए, ये उस पर बिल्कुल अच्छे तरीके से बेल्ट चढ़ गई है। और उसके बाद हमने जो और इसके छोटे मोटे काम रह गए थे वो ठीक कर देने हैं। जैसे ये पाइप लगाना है इसका, ये पाइप लगाने के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको यहाँ से पाइप डालिए, इसके नीचे जगह बनी होती है, वहाँ से डाल के आप इसमें अटैच कर दीजिए। यहाँ अटैच करके अगर ये अच्छे से फिट हो जाए ठीक है, नहीं तो आप इस पर टेप लगा दो, टेप से फिर लीकेज नहीं होगी। ये मैं बाद में अच्छे से लगा के दिखाऊंगा आपको। और फ्रेंड जो ये वाली रस्सी लगी हुई है, ये जो प्लास्टिक की लगी हुई है, ये तार है, इसको आपने लगाना है इसमें। ये देखो अंदर से इसके ये आता है, ये जो हमारे ड्रायर होता है, जो हमारा ड्रायर है, ये यहाँ पे ऐसे फिट हो जाता है। उसके बाद आपने इसको यहाँ लगाना है, जो हमारा ड्रायर होता है, कपड़े सुखाने वाला होता है, उसमें ब्रेक लगाता है ये। जब हम ढक्कन खोल देते हैं ऊपर से, जब हम ढक्कन खोलते हैं तो ब्रेक लगाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जब ढक्कन हम इसका खोलते हैं, जब हम ढक्कन खोलते हैं नीचे से ब्रेक लगा देता है, जो ये वाला ड्रायर होता है। ये देखिए, ये नीचे से तार खींच रहा है, इसको हम ढक्कन खोलने के बाद लगाएंगे, उससे लूज हो जाता है ये, और हम अपने जरूरत के हिसाब से इसको एडजस्ट कर देंगे। जैसे अब ये लग गया है, ये हमारा, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, दूर से ढक्कन खुला हुआ है, जब हम ढक्कन बंद करेंगे तो वो अपने आप रिलीज हो जाएगा और इस तरीके से टाइट हो जाता है। ये हमारी ड्रायर की मोटर है, ड्रायर की मोटर है, उसके नीचे ये वाले नट है, ये जो ये नट है इसको हमने टाइट करना है। दूसरा एक ये नट है, ये देखिए, एक ये और एक उसी के साथ में दूसरा नट है, इन दोनों को हमने टाइट करना है ड्रायर लगाने के बाद। ये देखिए, दूर से नट दिख रहे हैं, जो ये नट है, ये वाले नट, इनको हमने टाइट करना है। मैं आपको इसको बंद करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये बंद करनी है, और उसी तरीके से आप ये सोचना कि मैंने उसी तरीके से इसको खोलना है। इसमें नट लग जाएंगे इधर, इसको आपने लिटा लेना है।
फ्रेंड्स, तो इसके बाद में आपको बताता हूँ कि अंदर इसके किस तरह से लगाना है। जो ये वाली वार्सल है, इस वार्सल को आपने यहाँ पे ज़रूर लगाना है। ये वार्सल इसको टाइट करने में मदद करेगी, यहाँ पे नट जो है जिससे लीकेज भी नहीं होगी, ये यहाँ पे लगेगी। ये चोरस वार्सल है जो, ये देखिए, ये इसमें बिल्कुल फिट आ गई है, ये यहाँ पे लगेगी। इसके बाद जो ये है, इसको आपने फिट करना है, ये इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाएगा। ये जगह है जो वो वार्सल इसको इसको टाइट करेगी, इस जगह को। ये भी चौरस है, देखिए यहाँ इस जगह को आप अच्छे से, ये देखिए ये बिल्कुल फिट हो गया। उसके बाद जो ये नट है, इस नट में ये वार्सल होती है, इस वार्सल का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसको आपने गुम नहीं करना है, इसको अच्छे से इसी तरीके से इसमें लगा देना है। इस तरीके से आप इसको टाइट कर दीजिए। फ्रेंड्स, जो ये खराब होता है, ये खराब होने का मेन कारण ये होता है कि आप इसमें कपड़े डाल देते हो लेकिन पानी नहीं भरते। जो गिल्ले कपड़े जब इसमें घूमते हैं, मोटर घूमती है, तो वो खराब खराब हो जाती है। ये मोटर, ये लोड ज़्यादा हो जाता है और ये घूम नहीं पाती है, जिस वजह से वो नीचे से गरारी प्लास्टिक की होती है, वो घिस जाती है। हमें इसलिए पूरा चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए जब ये पानी का भर जाए, उसके बाद इसको कपड़े डाल के मोटर चलाएं। तो फ्रेंड्स, ये इतना ही था। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।